हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आज जाने वाला हूँ साली चौका। और दोस्तों, अभी इस वक्त खड़ा हूँ मैं बोहानी स्टेशन पे, जो कि बोहानी स्टेशन है। और ये बोहानी का स्टेशन है जो कि मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। और मेरी गाड़ी पीछे आ चुकी है और मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से साली चौका। साली चौका में मेरी दोस्तों के साथ कुछ मीटिंग है, तो हमारी शूटिंग होने वाली है, एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग होने वाली है। उसके लिए हम लोग जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए। और फिर आज बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पे, क्योंकि आज सब लोगों से मिलूँगा मैं। और मिलने के बाद वहाँ पे शूटिंग की जो बातें होंगी, किस प्रकार से हमको शूटिंग करना है। तो ठीक है गाइस, अभी मेरी ट्रेन आ चुकी है और अभी मैं ट्रेन में बैठने वाला हूँ। और इसके बाद चलते हैं, फिर वहाँ पे दिखाते हैं आपको पहुँच के कि कैसी क्या रहती मेरी साले चौका तक की जर्नी। वाह यार, देखो कितना अच्छा मौसम है आज, क्योंकि सुबह से बारिश भी हुई थी, तो बारिश के कारण बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ की लोकल गाड़ी है, यानी विंध्याचल एक्सप्रेस, जो कि भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस के लिए चलती है। कुछ देर तक यहाँ पे बैठूंगा और उसके बाद फिर मैं अंदर सीट पे बैठ जाऊंगा। यार काफ़ी दिन हो गए ट्रेन में नहीं बैठा मैं। अभी पिछले टाइम में कहाँ भोपाल गया था, तभी ट्रेन में बैठा था। और अभी कम से कम एक महीने बाद ट्रेन में बैठ रहा हूँ। हालांकि ये मेरा पहले मैंने विलेज का, मतलब गाँव का ब्लॉग बनाया था, और अभी बहुत दिनों बाद मतलब ट्रैवलिंग वाला वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो फाइनल फ्रेंड्स, मैंने अब बोहानी स्टेशन को बाय बाय बोल दिया है और अब मैं पहुंचने वाला हूँ साली चौका। जी बहती है, हवा चल रही है, मौसम भी बहुत बढ़िया है। यार सावन के महीने में ना ट्रेन में जो यात्रा करने का मजा कितना होता है। और अभी फिलहाल इसके बाद में कहीं बाहर निकलने की सोच रहा हूँ। स्टेशन जो कि साले चौका स्टेशन है, जहाँ पे मैं उतर गया हूँ। और अभी मैं वेट करूँगा हरीश भाई का, जो कि मेरे डायरेक्टर हैं, उनका मैं इंतजार करूँगा। तो जब तक मैं यहीं पे इंतजार करूँगा। अरे दादी, चने कैरेट दिए 10 के 50 ग्राम, 50 ग्राम दे दो भाई। अभी क्या है कि मौसम थोड़ा डाउन था, पानी गिर रहा था, लेकिन अभी अभी धूप कितनी ज़्यादा निकल गई यार। देखो
ये रहा साली चौका का बोर्ड, उल्टा दिख रहा होगा यार। चलो ठीक है यार, वैसे भी क्या है मोबाइल की यार क्वालिटी खराब हो गई है। मोबाइल पहले अच्छा दिखता था, पता नहीं क्या हो गया, कैमरा बहुत खराब हो गया यार। सही सूरत भी सही से नहीं दिखती और उतना अच्छा दिखता भी नहीं है। यार बहुत ज्यादा, सच में यार बहुत ज्यादा धूप। ठंडा मौसम रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, इसमें कैमरा भी सही से काम करता है। मैं पहुंच चुका हूं साले चौका के रेलवे गेट पे, वो रेलवे गेट है और ये रास्ता शहर के अंदर साइड जाता है और यहीं कहीं पे अब मैं इंतजार करता हूं वो हरीश सर का। अब पता नहीं कब तक आते हैं, लेकिन अभी कॉल किया था तो बोल रहे थे आ गए हैं, सही पता नहीं रास्ते में होंगे, जब तक मैं उनका इंतजार करता हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा कीचड़ है यार बारिश में ना। तो फाइनली गाइस बहुत समय आज बहुत वेट किया हमने, कम से कम 1.5 घंटे के वेट करने के बाद अब हरीश भैया हमारे आ गए बॉक्सल लेके। भाई हमने कसम से तीन गाड़ी निकाल ली, तीन गाड़ी के निकलने के बाद अभी आए हैं, तो अब इनके साथ हम लोग जा रहे हैं मीटिंग में, जो कि हमारी मीटिंग होने वाली है। तो भाई हमारे आ गए तो बैठते हैं इनकी बॉक्सर पे और बॉक्सर पे बैठ के हम निकालते हैं। चलो भाई उड़ा दो, बना दो नागिन ये। तो गाइस अब चलते हैं जंगल की ओर। अलग तक चल साथ चल, ये बादल की चादर ये तारों के आंचल, मैं छुप जाऊं पल तो पल। तो भैया हम पहुंच गए फाइनली जहां पे हमको पहुंचना था और हमारे भाई लोग मिल गए हैं, जो कि अभी शूटिंग की तैयारी चल रही है। ये हमारे चाचा जी हैं और इधर अरविंद भैया है बंदूक लेके, किसको मार रहा भैया। और ये हमारे डॉक्टर साहब जो कि स्क्रिप्ट और साथ में मुनीम जी डाकू का रोल करने वाले, और हमारे मनोज भाई, क्या नाम है भैया, मनोज भैया क्या क्या काम है तुम्हारा यार, मैं भूल गया, आपको खुद पता होगा। हाँ डायरेक्टर जी भी एक डायरेक्टर है, पता नहीं कौन से डायरेक्टर है, लेकिन ये भी डायरेक्टर है, गुमनाम डायरेक्टर है। और अभी मोबाइल लगा के टेस्ट कर रहे हैं, अभी कैमरा लगाएंगे फिलहाल हम, और ये फोटोशूट वगैरह हो रहा है और बहुत जल्दी हम लोग तैयारी करने वाले हैं, जो कि एक शॉर्ट मूवी है यूट्यूब के लिए, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो सभी लोग हम एकजुट हो गए हैं यहाँ पे, और अब कुछ ही देरी से यहाँ पे हमारा काम चालू होने वाला है। कुछ बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं। हाय हेलो, ओ हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? निखिल। और तुम्हारा? तेज राम। कहाँ जा रहे हो? स्कूल। कौन सी क्लास में हो? चौथी क्लास में। चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है ना। तो बच्चे लोग ये भी जा रहा है, तो ये भी बड़े होकर कुछ एक्टर लोग एक्टर बनेंगे, जो भी जैसे कि शाहरुख खान सलमान खान जैसे। तो ठीक है, अभी मेरे ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसके आगे जो कुछ है वो दिखाते हैं आपको। और बहुत जल्दी हमारी जो शॉर्ट फिल्म आ रही है, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना आराधना एमपी स्टूडियो, जिसमें आपको ये शॉर्ट वीडियो फिल्म मिलेगी। तो ठीक है गाइस, बाय। मनोज भैया बाय कर देगा, बाय। Thank you.